वाला है, प्रेम विवाह का जीवन पर क्या असर पड़ता है। प्रेम विवाह क्या बोले, लव मैरिज। आज के समय में देखा जाता है युवक और युवतियां एक ही साथ काम करते हैं। सुन लें, कहीं न कहीं ये भी समाधान काम में आएगा। आज के समय में देखा जाता है कि युवक और युवतियां एक ही साथ काम करती हैं, उनका आपस में प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक साथ आना, एक साथ जाना, बात करना, फोन पर एक दूसरे के हालचाल लेना, और आखिर में वो स्नेह इतनी गहराई बना देता है कि दोनों एक दूसरे के साथ विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो पूर्व से विवाहित होते हैं तो भी गलती कर बैठते हैं, और इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि इससे बड़ी जिंदगी की कोई गलती नहीं होती। विवाह क्या सबके साथ किया जाता है? विवाह का तो बढ़िया चुनाव होता है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा यदि कोई निर्णय है तो यह विवाह ही तो है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए। कभी कभी तो घर वालों के विरोध करने पर भी और वह नहीं मानते, विवाह के बंधन में वो ऐसे बंध जाते हैं कि उनका पूरा खानदान, पूरा परिवार छूट जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा और सुना, मन मुताबिक विवाह करने वाले स्त्री पुरुष बहुत टेंशन में जीते हैं। परिवार छूटता है, परिवार शकुन देता है। ये मानिए भले ही मत मानिए, कोई फंक्शन आप करते हैं, जब उसमें अपने सब परिवार के दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। लेकिन जो मन मुताबिक शादियां की जाती हैं, वो समाज में अपमान का बोझ ढो रहे होते हैं। मन मुताबिक विवाह करने के बाद वह बेटी अपने पियर जाती है किसी शादी विवाह में, तो लोग उसको देख के कहते, देखो इसने बाप की नाक कटा दी, इसने ऐसा कर लिया। उस समय वो जिंदी मुर्दे की तरह हो जाती है, आंखें नीचे हो जाती हैं, लज्जित हो जाती है, किसी से बात नहीं कर पाती, और यही स्थिति पुरुष की होती है। हारी दुखारी, बीमारी, डिलीवरी, बच्चों का जन्म, और उस समय पर अपने परिवार खानदान का कोई नहीं होता। ये जितने भी प्रेम विवाह हुए हैं, ये आपस में प्रसन्न कोई नहीं होते, ये मुझसे बहुत मिलते हैं। लास्ट में आखिर में यही कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल रही, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया छूटता है, बहन छूटती है, माता पिता छूटते हैं, कुंबा छूटता है, समाज छूटता है। आदमी कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो सामाजिक नहीं है तो क्या है। और याद रखना, प्रेम विवाह का असर बच्चों के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। जब जो गलतियां तुम कर चुके हो, बच्चों को नहीं सुधार सकते। जब बच्चों को पता होता है कि मम्मी पापा ने मन मुताबिक विवाह किया है, तो बच्चों के हृदय में एक घृणा की स्थिति बनती है। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं मंडला से आ रहा था, जबलपुर से, रेल के डिब्बे में भागवत जी का पाठ कर रहा था। शाम का टाइम था, वही रेल के डिब्बे में मेरे सामने एक युवक बैठा था। वो बैठा बैठा मैं पाठ कर रहा था, वो रो रहा था। जब मेरा पाठ पूरा हो गया तो मैंने उसको पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है, बाबा मैं दुखी हूं। मैंने कारण का, मैं किसी काम का नहीं रहा। मैंने कहा, फिर भी कहा, मेरा बाप मुसलमान है और मेरी माँ ब्राह्मणी है। मैं अपने आप को ब्राह्मण मानूं या मैं अपने आप को मुसलमान मानूं, मैं कितना भाग्यहीन हूं। मैं मंदिर में भी जाता हूं,
तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, और मैं मस्जिद में भी जाता हूँ तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, और अंदर से यही लगता रहता है मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ कि मुझे माता पिता चरित्रवान नहीं मिले। हकीकत ये बालक बोल रहा था, ये बात उसने मुझे बोली कि मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि मुझे मेरे माता पिता मुझे चरित्रवान नहीं मिले। इन सब चीजों का असर, आप ये मत सोचना कि बच्चे कुछ नहीं जानते, वो बोले भले ही नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। और मैंने बहुत बार कहा है, आप अपने कब्जे में बहुत चीजें रखे हैं, अपना शादी विवाह ये माँ बाबू जी के हाथ में छोड़ दीजिए। चमड़े से प्रेम मत कीजिए, घोड़ों से प्रेम कीजिए। और जिसको आप प्रेम विवाह कहते हैं, नाम प्रेम विवाह है, ये तो दीवार में माथा फोड़ फोड़ करके रोते हैं, इतनी तकलीफें होती हैं, इतनी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को जितना बोला जाए उतना कम है। समाज से अपमानित होना पड़ता है, सब जगह से आना जाना बंद हो जाता है, और सबसे दिक्कत की बात है कि कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे में दोष देखना शुरू कर देते हैं। जितने भी ये प्रेम विवाह हुए हैं, ये स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। स्त्री सोचती है कि जैसे इन्होंने मुझे बहकाया, हो सकता है कि किसी और स्त्री के साथ नहीं इनका प्रेम चल रहा हो, और पुरुष के दिमाग में यह चलता है कि जैसे इसने मुझे फंसाया, इसके दिमाग में कोई और भी तो ना हो, इनका पूरा जीवन इसी संशय में निकला। और गीता कहती है कि जिसके माथे में संशय है वो तो कभी मनुष्यता का जीवन जी ही नहीं सकता। संशय आत्मानं विनश्यति। ये तो जिंदगी भर एक दूसरे का मोबाइल ही चेक करते करते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए आपने यह प्रश्न मेरे पास तक पहुंचाया है और आपने मुझे पूछा है, यह प्रश्न किया है कि प्रेम विवाह का जीवन पर क्या असर पड़ता है। प्रेम विवाह करने वाले लोग तो हर समय कोमा में रहने वाली जिंदगी जीते हैं, हर समय टेंशन में होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, उनके खर्चे पूरे नहीं होते, माँ बाबूजी का देला मिलता नहीं है, उन्हें लाड़ मिलता नहीं है, दुलार मिलता नहीं है, स्नेह प्रेम मिलता नहीं है, परिवार छूटता है, रिश्तेदार छूटते हैं, गांव गली मोहल्ले सब को छूट जाता है, उनकी दुनिया सिमट जाती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मुक्ति के लिए मंदिर जाते नहीं है, मंदिर जाते हैं हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि सकुन की जिंदगी जी ले।